में बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि राजस्थान की मुख्यमंत्री पूरी तरह लिप्त थी एक ऐसे व्यक्ति के संरक्षण में जिस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के अनेकों कानून तोड़े हैं, सोइयों हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, काला धन पैदा कर विदेश भाग गए, 15 उनको ईडी के नोटिस चले गए हैं, वो एक औपचारिक रूप से भगोड़ा सिद्ध है। वित्त मंत्री जी खुद बोलते हैं कि वो जैसे ही भारत आएंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा, चार्जशीट किया जाएगा, केसेस उन पे करे जाएंगे। एक ऐसे व्यक्ति को मदद करना विपक्ष के नेता होते हुए और मदद भी गुपचुप के करना, वहां पर लिखा गया कि किसी को हिंदुस्तान में पता नहीं पड़ना चाहिए कि मैं उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की पैरवी कर रही हूं, इससे स्पष्ट होता है कि वो इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हैं। और बहुत सारे तथ्य सामने आए हैं, जो कंपनीज का ट्रांजैक्शन हुआ है मॉरिशस से, जो पैसा हिंदुस्तान उन कंपनीज में आया है, इस सब की जांच होनी चाहिए। और हम समझते हैं कि इसमें सीबीआई को जांच करनी चाहिए, लेकिन जांच तब हो जब ये लोग अपने पदों से हट जाएं। अगर कोई मुख्यमंत्री है तो उसके खिलाफ कोई जांच एजेंसी अपना काम नहीं कर सकती। इसलिए हम लोगों ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान ने मांग करी है कि मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर, संवैधानिक जो प्रेसिडेंस है उसके आधार पर, लीगली भी अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार